कश्मीर पाकिस्तान की झोली में गिरने वाला है और ये हकीकत है, इसको जितनी जल्दी तुम मान लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा नरेंद्र मोदी। 27 पुलिस वाले जख्मी हैं, वो हॉस्पिटल में पड़े हैं और एक असिस्टेंट कमिश्नर है उसका सर फट गया, उसकी गाड़ी को उन्होंने आग भी लगा दी। आजाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हुकूमत ने जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है। नजर ये आ रहा है कि अब ये आग ठंडी नहीं होगी। ये आग कैसे ठंडी होगी जब आप कश्मीरियों को उनके जायज हुकूक नहीं दे रहे। मोदी की गवर्नमेंट से ना इंडियन जो आवाम है ज्यादातर हिंदू वो बहुत खुश है। आप स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है तो उनको रोकना जरूरी है। पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं, हैं जी, रोजगार नहीं है लोगों के पास, बिजली कटवा के गैस के मीटर कटवा दिए उन्होंने, 80,000 बिल घरों के भेजे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लड़ाई बहुत सख्त हो गई है और ट्रैक डाउन बहुत सख्त है। अगर लोगों को बात ही नहीं करने देंगे, घर से निकलने ही नहीं देंगे, आप लोगों को कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे एंड देन आप जो दूध एंड शहद की नहरें भी आप नहीं बहा रहे। हर तरफ ये खबर शेयर की जा रही है कि कश्मीर के लोग अब तंग आ चुके हैं। एक और बात भी की जा रही है कि जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी जो डिजायर है इंडियन गवर्नमेंट की कि आजाद जम्मू कश्मीर जो है उसको हम हासिल करेंगे। कश्मीरियों ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को हम सिविलियंस पाकिस्तानी अपना पेट काट के बजट में से डिफेंस बजट देते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK के अंदर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, और यहाँ पर जो POK है वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के जो अत्याचार होते हैं उनके खिलाफ, तो यहाँ पर पाकिस्तान का मीडिया किस प्रकार से न्यूज़ को जो है ना वो डिस्कस कर रहा है। यहाँ पर भी ये लोग जो है ना इंडिया को बीच में लेकर आ रहे हैं, तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी। आप पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हुकूमत ने जो है वो सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया है, स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियाँ कर दी हैं हर तरह की। कहा जा रहा है कि एक तरफ तो 11 मई जो है वो इंडिया का न्यूक्लियर डे है और उसी दिन जो है वो ये कश्मीरी जो नेशनलिस्ट हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लास्ट टाइम इन्होंने जो प्रोटेस्ट की कॉल आई थिंक दी थी वो 5 फरवरी को दी थी, जिस दिन पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडैरिटी डे मनाता है। और अभी एक तरफ कश्मीर सॉलिडैरिटी डे को डाइवर्शन की गई, उस पर अटेंशन डाइवर्ट की गई, और अभी इंडिया का जो न्यूक्लियर डे है उस पे जो है ये कश्मीरी नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ एक और बात भी की जा रही है कि जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी जो डिज़ायर है इंडियन गवर्नमेंट की कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है उसको हम हासिल करेंगे। मेरे साहब, आप कैसे देखते हैं? एक तरफ से ऐसी बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो बड़े जेन्युइन प्रोटेस्ट हैं और उन प्रोटेस्ट के अंदर ये डिमांड्स की जा रही हैं कि हमें हमारे हकूक दिए जाएं, बिजली के हवाले से जो बिजली AJK में पैदा होती है उसके ऊपर टैरिफ ना लगाए जाएं, जो कि बड़ा एक मैं समझता हूँ जेन्युइन एक इशू है। एक तरफ जेन्युइन डिमांड है और एक तरफ ये भी तासुर दिया जा रहा है कि ये सारी की सारी डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं जो वहाँ पे कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट कर रहे हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है जी, जो रूलिंग एलीट है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर के अंदर वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। आप एक ऐसी हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसमें सामने कैमरा पे आप देख रहे हैं कि शटर डाउन है, शहर वीरान है, वहाँ पे ना कोई गाड़ी है ना कोई इंसान है, इवन कुत्ते तक, वो जो वैगा बाउंड किस्म के कुत्ते होते हैं ना शहर में आवारा, वो भी शहर छोड़ के कहीं चले गए। मेरे ख्याल में बड़े परेशान हुए होंगे कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि हुआ क्या। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का एक तर्जमान खड़ा है, ऐलान कर रहा है जी कि ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही, क्योंकि इन लोगों ने जो है वो वसाइल पे कब्ज़ा किया हुआ है, और वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए जो है वो उसको जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात।
देखिए, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 76 साल से जुल्म का एक बाजार गर्म था, लेकिन हम लोग सहते रहे, हमारे लोग सहते रहे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मोटा मोटा यही है कि वो उनको मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया गया, उनके जहनों के अंदर ये भरा गया कि तुम मुसलमान हम मुसलमान, लिहाजा हम एक दूसरे के जो है वो कलमे का रिश्ता होने की वजह से एक दूसरे के हम उम्मती हैं, भाई हैं, हम एक दूसरे की उम्मत के उस पॉट में शामिल हैं, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये दिखा के पिछले 76 साल से इन्होंने हमारे जंगलात लूटे, हमारा पानी लूटा, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेस थे वो लूटते रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई सड़कें नहीं बनाई। जो महाराजा हरि सिंह के जमाने की सड़कें थी वो भी टूट फूट गई, जो उस जमाने के ब्रिज थे उनको रिपेयर नहीं किया, कोई हेल्थ सिस्टम नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं। लिहाजा वो कौम जो एक इंतहाई तालीम याफ्ता कौम थी, जम्मू कश्मीर के लोग इंतहाई तालीम याफ्ता थे, मतलब है मीरपुर शहर में आपको BA से कम शख्स नहीं मिलता था उस जमाने में, वो आज सहराओं की खाक छान रहे हैं, रेत फांक रहे हैं, सूरज की तपती सहरा की गर्मी में वो लोग, जो मौसम हमारा वो मौसम ही नहीं है, उस मौसम में जाके वो मजदूरियां कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और उसके लिए क्या कीमत एक और अदा कर रहे हैं, ग्रीन पासपोर्ट। यानी वो पाकिस्तान का एक तो ये जिल्लत कि हम जो हमारे जम्मू कश्मीर के खानदानी लोग थे रवायती तौर पर, और बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े जफाकश लोग, वो जिल्लत की जिंदगी गुजारने के लिए मुंह से बाहर उनको जाना पड़ा। दूसरी जिल्लत ये कि एयरपोर्ट पे ग्रीन पासपोर्ट। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। अजीज दोस्तों, कश्मीरियों ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को हम सिविलियंस पाकिस्तानी अपना पेट काट के बजट में से डिफेंस बजट देते हैं, जिससे वो हथियार खरीदती है, गोलियां, बारूद ये सब खरीदती है, ताकि वो इंडिया से जंग करे और इंडिया के कब्जे में से कश्मीर को आज़ाद कराए। लेकिन हो ये रहा है कि वो हथियार और बारूद इस वक्त कश्मीरियों पे यूज़ हो रहा है। वो हथियार और बारूद जो पाकिस्तानी हमें मामू बना के आर्मी हमसे ले जाती है पैसे, उस बारूद और हथियार खरीदने के लिए कि हम कश्मीरियों को भारत के जुल्म से आज़ाद कराएंगे, वही गोलियां, वही बारूद इस वक्त मासूम POK के कब्ज़े में जो रह रहे हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के कब्ज़े में कश्मीरी रह रहे हैं, उन पे वो गोलियां और बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कश्मीरियों ने भी खूब इनके साथ सलूक किया है, इनको नचा नचा के, भगा भगा के इनका हशर कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ा, उसकी शलवार उतारी और उसको मुजफ्फराबाद में मैन चौक पे लटका दिया। इससे 1971 की याद ताज़ा हो गई, जब पाकिस्तान के बहादुर फौजियों ने, 93,000 बहादुर फौजियों ने भारत की फौज के आगे अपनी पतलों ने उतारी थी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। POK के लोग अपनी जायज़ मांगों को लेकर, यानी कि महंगाई को लेकर जो है ना, वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी कई सारी मांगे हैं यहाँ पर। वो ये बता रहे हैं कि जो बिजली पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब के अंदर जो बिजली इस्तेमाल की जाती है, वो POK से बनकर आती है, वहाँ पर जो डैम है वहाँ से बनकर आती है, लेकिन उन लोगों को वो बिजली नहीं दी जाती है और उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस हैं। वहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बिल है, बिजली के बिल, वो 80-80 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है। तो कुल मिला के जो उनकी जायज़ मांग है उनको लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो नई खबरें आ रही है, जो नई न्यूज़ आ रही है, वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है ना, वो उन लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना बल प्रयोग कर रही हैं, और कई सारे लोग ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, कई सारे लोग अस्पतालों के अंदर हैं। यानी कि प्रदर्शनों को जो है ना पूरी तरीके से दबाया जा रहा है।